सबसे पहले इडम्स एंटरटेनमेंट का इडम फरीदी, मैं प्रोड्यूसर की तरफ से आप सबको दिवाली जो आ रही है उसकी शुभकामनाएं। और ये यथागता फिल्म फेस्टिवल में मैं आई हूँ। यथागता नाम से आप समझ रहे हो कि कितना इसमें हमारा भारत को इसमें समाता है। इसके साथ ही साथ लिटरेचर और सिनेमा का जो ये जो जुड़ाव देखा है मैंने, दिस इज द बेस्ट प्लेस आई थिंक, एंड आई एम सो हम्बल एंड ब्लेस्ड कि मुझे यहाँ पे एज अ प्रोड्यूसर आने का मौका मिला। और मेरी फिल्म मीट मिसेस चैंग इज ऑल्सो वी हियर, एंड आप देखेंगे कि आई एम सो हम्बल कि इतनी अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स होते रहते हैं। बहुत फेस्टिवल्स हमने ज्वाइन किए थे, हम वहाँ पे जीत के भी आए थे। एक और फेस्टिवल का हमको यहाँ पे जुड़ गया है हमारे साथ, वो है यथागता फिल्म फेस्टिवल। सो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू अनुषा। ये मेरी ड्यूटी है, मेरा फ़र्ज है, और एक समाज सेवी ही अपनी फिल्म को समझ सकता है। प्रोड्यूसर तो मैं हूँ ही, और इसके साथ साथ एक समाज सेवी, तो मैं यहाँ पे अब समाज सेवा तो कह सकते हैं क्योंकि लिटरेचर और फिल्म का ही जो जुड़ाव है, तो यहाँ पे मेरा आना इतना इम्पोर्टेंट मुझे लगता है क्योंकि सब इससे बेस्ट मेरे लिए हो नहीं सकता। फिल्म फेस्टिवल में आना, अपना यहाँ पर पक्ष रखना, अपना जुड़ाव रखना, और यहाँ पर मेरी फिल्म का यहाँ पर प्रदर्शित होना, इससे बेस्ट मेरे लिए हो नहीं सकता। फिल्म फेस्टिवल का जो मीट मिसेस चैंग को सपोर्ट मिल रहा है, आई एम सो हम्बल एंड ब्लेस्ड। और ऑफ कोर्स जो मैं समाज में देखती हूँ वही तो मैं अपनी फिल्मों में लेके आना चाहती हूँ। फिल्म्स को जोड़ने का एक अच्छा एक मतलब एक जो उसको हम समागम कहते हैं या उसको कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, वो भी एक कॉलेज में हो रहा है। और आज की पीढ़ी को लिटरेचर और सिनेमा तो सबको पता ही है, लेकिन लिटरेचर और सिनेमा का जोड़ कैसे होता है, उनका एक साथ कॉम्बिनेशन जो होता है, ये मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रयास है। बस ये इसी तरह के फेस्टिवल अगर होते रहें, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन टू चारू मैम, टू द एंटायर स्टाफ, टू अनुषा टीम, टू मोहन जी, ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं तो ऑब्वियसली, और हम जैसे लोग जो कि साहित्य से जुड़े भी हुए हैं और थोड़ा बहुत सिनेमा की समझ रखते हैं, हम लोग तो डेफिनेटली जिस तरह से इनकरेज कर सकें हम करेंगे। यथाकथा को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। इट्स अ वेरी वेरी नाइसली कंसीव्ड, और मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आगे और इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे इस तरीके से कार्यक्रम रखें। थैंक यू। फेस्टिवल को बहुत बहुत बधाई, और ये बहुत ही अच्छा उन्होंने ये शुरू किया है मुहिम, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसमें हिस्सा ले सकी और अनूप जी और संजय जी के साथ ये हम एक बातचीत कर सके, और ये जस्ट शुरुआत है, फिर आगे आगे देखते हैं होता है क्या। थैंक यू। ये कहूँगा कि बहुत मज़ेदार और फ्रूटफुल डिस्कशन था ये, क्योंकि इसमें एंटरटेनमेंट भी बहुत था, लोगों ने अपने मन की बातें कहीं, प्यारी प्यारी बातें कहीं, और साथ में एक बात और थी कि यूथ हमारे आज देश को आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहा है, वो भी चर्चा हुई। तो बहुत अच्छी चर्चाएं हुई हैं, और मैं चाहता हूं कि इस तरह के डिस्कशन होते रहें, क्योंकि हम कई सालों से काम कर रहे हैं, तो जो हम कहेंगे वो ज़रूर अपने तजुर्बे की बात ही कहेंगे, और उसका डेफिनेटली यूथ को लाभ होगा। सर आपको कैसे, यहाँ पर बिसाऊ की मूक रामलीला देखने के लिए आया था, और वो ऊपर सेकंड फ्लोर पे थी, लेकिन ये सेशन कुछ इतने बढ़िया चल रहे थे कि मैंने मिस कर दी, मैंने नहीं देखी, ऐसे सेशन में बढ़ रहा इतना बढ़िया। सो वेरी ग्रेटफुल कि इसरा इंडियन एसोसिएशन, सिंगर्स एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू संजय जी एंड ऑल द डिग्निटरीज, रेखा जी, अनूप जी, आप लोगों ने हमारे सेकंड सीजन में आकर हमें सच में बहुत हमारे हौसले को बुलंद करने में हमें मदद करी है, एंड थैंक यू सो मच। ग्रेटफुल फ्रॉम एंटायर टीम ऑफ यथाकथा, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर एसोसिएशन विद यू इन फ्यूचर एज वेल। थैंक यू। ऐसे डिग्निटरीज के साथ एक संवाद साधना ही आई थिंक एक साधना थी। आप अगर श्लेष अलंकार समझ से हो तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई वॉज यू नो चोजन टू डू दिस। थैंक्स अ लॉट। जुड़ने में आप उनको क्या कहना चाहेंगे, हाउ डज ही फील बीइंग
having students to listen? Well, I think students form a big part of even the Singers Association, because that is what is the future of the Singers Association. So I just want to say that youth is more and more. जो लेजेंडरी लोगों का काम था उन्होंने तो कर दिया, मगर इसको आगे, दिस इज अ रेस, सो द बेटन नाउ हैज टू बी कैरीड ऑन विद द यूथ, एंड देयरफॉर इसरा इज वेरी वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद यूथ व्हेनेवर यू आर रिक्वायर्ड.